गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 वाटर कंप्लीट कर लिया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करने वाले हैं। आप लोग पेज नंबर 39 निकालो और आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करो ज़रा। आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करो ज़रा। स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर्स। थिंक एंड डू, क्वेश्चन ए देखो जरा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड की तरफ से मिला वो अनमोल तोहफा कौन सा है। तो आंसर नोट डाउन करो, वो तोहफा कौन सा है, वाटर। कौन सा तोहफा है, वाटर। वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। तो आंसर नोट डाउन करो जरा फर्स्ट का, वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो बच्चे आंसर नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं हाथ से, वो सिर्फ आंसर लिखेंगे। आप लिखो आंसर वन, फिर आंसर वन का जो भी आंसर है, वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ ए गॉड, ये लिख लो। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। राइट वेरियस सोर्स ऑफ ए वाटर, यानी वाटर के वो स्रोत्र जहाँ से हमें पानी मिलता है, पानी के वो स्रोत्र जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, बारिश से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, सी से एंड स्ट्रीम से। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा आप लोग, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, रिवर एंड सी। आंसर सेकेंड नोट डाउन करो, क्लास सेकेंड। पॉन्ड, पी ओ एन डी एस पॉन्ड्स, लेक एल ए के ई एस लेक्स, स्टीम एस टी आर ई ए एम एस स्टीम, रिवर आर आई वी ई आर एस रिवर्स एंड सी एस ई ए एस सी। नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, झरने से मिलता है, झील से मिलता है और बारिश से मिलता है। आप चाहो तो एक आंसर और इसमें पॉइंट ऐड कर लेना, रिवर, रेन, सी के आगे लिख लेना रेन, यहाँ पे यहाँ पे लिख लो रेन, आर ए आई एन रेन, और फिर फुल स्टॉप लगा लेना। पॉन्ड, लेक, स्टीम, रिवर एंड सी के आगे रेन लिख लेना, आर ए आई एन रेन। नाउ आगे बढ़े, कम टू द क्वेश्चन थर्ड देखो जरा। क्वेश्चन थर्ड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर एंड हाउ कैन वी टेक आउट दिस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है और उस पानी को हम लोग कैसे यूज ले सकते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो जरा इसका, रेन वाटर विच गोज डीप इन द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, बारिश का जो पानी होता है वो ज़मीन पे पड़ने से वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। उसे क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। बारिश का जो पानी होता है वो ज़मीन पे गिरता है और फिर वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, उस पानी को हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ ए वेल, टू वेल एंड हैडपम्प। और इस पानी को हम लोग किसकी हेल्प से बाहर निकालते हैं, वेल यानी कुएं की मदद से, टू वेल यानी जो खेतों में होती है टू वेल, उसकी हेल्प से और हैडपम्प की हेल्प से। तो आंसर नोट डाउन कर लो ज़रा,
रेन वाटर विच गोज डीप इन द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. दिस वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ ए वेल टू वेल एंड हैडपम्प. आंसर नोट डाउन करो जरा. रेन वाटर विच गोज डीप इन द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. दिस वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ वेल टू वेल एंड हैडपम्प. आंसर नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने. आगे बढ़े हम लोग. कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ जरा. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डू प्लांट नीड वाटर. प्लांट्स को पानी की जरूरत क्यों होती है, यानी पौधों को पानी की जरूरत क्यों होती है. व्हाई डू प्लांट नीड वाटर. तो पौधों को पानी की जरूरत क्यों होती है. जिस तरह इंसान का जीवन यानी ह्यूमन बींग का जीवन भी पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही प्लांट्स की जिंदगी भी वाटर पर ही निर्भर करती है. इट्स डिपेंड ऑन वाटर. आंसर नोट डाउन करो जरा. प्लांट नीड वाटर टू ग्रो टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट जो होते हैं उनको पानी की जरूरत बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और उनके खाना बनाने के लिए हेल्पफुल होता है. तो प्लांट को पानी की जरूरत क्यों होती है. Plants need water to grow, to make their own food. Answer note down करो fourth का. Plant need water to grow, to make their own food. Plant को उनकी growth के लिए water की ज़रूरत होती है और अपना खाना बनाने के लिए water की ज़रूरत होती है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. और जो बच्चे ये आंसर नोट डाउन कर रहे हैं यानी रफ कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, वो सिर्फ आंसर नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नहीं. हरी अब डू फास्ट. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो टू मेक देयर ओन फूड. जिसका फोर्थ का आंसर कंप्लीट हो गया वो जरा फिफ्थ का क्वेश्चन पढ़ो एक बार. खुद ब खुद पढ़ने की कोशिश करो. फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. जिसका भी फोर्थ का आंसर हो गया वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो. जरा फिफ्थ का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. मैं पेज टर्न कर रही हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा. फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. Why do human being need water? Human being को पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो जिस तरह plants को ज़िंदगी जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह इंसानों को भी अपने ज़िंदगी जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. Water is a basic need of human being, plants and animal. पानी जो है वो बेसिक नीड सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं, प्लांट्स की भी है और एनिमल्स की भी है. तो आंसर नोट डाउन करो जरा एक बार आप लोग. फिफ्थ का, व्हाई डू ह्यूमन बींग नीड वाटर. हमें पानी की जरूरत क्यों होती है इंसानों को. पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए, हमारे घर का फर्श, हमारे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, आपके जो भी व्हीकल्स हैं उनको धोने के लिए. तो पानी की ज़रूरत किन किन कामों के लिए होती है उनमें से कुछ आपको यहाँ लिखने हैं. वाई डू ह्यूमन बींग नीड वाटर. तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा फिफ्थ का. ह्यूमन बींग नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनको पानी की ज़रूरत पीने के लिए होती है, ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए, बाथिंग यानी नहाने के लिए एंड क्लीनिंग यानी
कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर का फर्श धोने के लिए, इन सब के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। घर की जब साफ सफाई करते हैं तो पानी की हेल्प से ही करते हैं ना, पानी की हेल्प से हम लोग घर को धोते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो आप लोग, फिफ्थ का, ह्यूमन बीइंग नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग। ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग। ह्यूमन बीइंग नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग। Human being need water for drinking, 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 cooking, 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 bathing, bathing bathing and cleaning, cleaning. cleaning. नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा एक बार। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? पोर्टेबल वाटर कौन से होते हैं? पोर्टेबल वाटर वो होता है जो कि पीने के लायक हो, जो कि पीने के लायक हो, यानी प्योरीफाई वाटर, यानी प्योरीफाई वाटर जिसमें जम्स नहीं हो, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो जरा, सिक्स का आंसर नोट डाउन करो। प्योरीफाई वाटर यूज फॉर ए ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। प्योरीफाई वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। गॉट इट? समझ में आया? आंसर सिक्स वापस से नोट डाउन करो। प्योरीफाई वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। आंसर नोट डाउन कर लो आप लोग सिक्स का। प्योरीफाई वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। लिख लिया सिक्स का आंसर, आगे बढ़े क्वेश्चन सेवन को। जरा क्वेश्चन सेवन पढ़ो एक बार आप लोग, जिसका क्वेश्चन जिसका आंसर सिक्स जिसने नोट डाउन कर लिया वो क्वेश्चन सेवन्थ पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन सेवन निकालो जरा। How can we keep the water clean? हम लोग पानी को साफ कैसे रख सकते हैं? हम लोग पानी को साफ कैसे रख सकते हैं? तो मैंने बताया था पानी को साफ कैसे रखा जाता है। पानी को साफ ऐसे रखा जाता है कि उसमें आप लोग कचरा ना डालो। जो पॉन्ड और रिवर होती है वहाँ पे जाके ना ही आप नहाओ और ना ही रिवर या पॉन्ड में अपने कपड़े धो, क्योंकि जब आप लोग नहाते हो या कपड़े धोते हो तो आप लोग साबुन का यूज़ करते हो और साबुन केमिकल से बनता है और उस केमिकल को फिर वो पानी में जाता है और वहीं से हमें हमारे लिए पीने के लिए पानी आता है, तो इसलिए उससे पानी इफ़ेक्टेड होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजर होता है क्योंकि वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। और पानी में कचरा नहीं डालना चाहिए। पानी जहाँ हमारा पीने का पानी होता है उसके आसपास एनिमल्स को भी हम लोगों को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वहीं पे अगर एनिमल्स भी पियेंगे, हम भी उस पानी को पियेंगे तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा सेवन्थ का। डू नॉट, आपको दो पॉइंट लिखने हैं सिर्फ। Do not throw garbage in the water. सबसे बड़ी बात है कि पानी के अंदर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। पानी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर में जो मटकी पड़ी है पानी की या फ्रिज में जो बॉटल्स पड़ी हैं वो, उनमें नहीं। जब आप कभी किसी लेक पे घूमने जाते हो या फिर
रिवर के साइड में घूमने जाते हो, सी घूमने जाते हो, तो उसके अंदर आपको कचरा नहीं डालना है, उसके अंदर आपको कचरा नहीं डालना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर, हमें पानी के अंदर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। सेकेंड, डू नॉट बाथ और वॉश क्लोथ इन अ पॉन्ड और अ रिवर। हम लोगों को ना ही पॉन्ड्स और रिवर के किनारे नहाना चाहिए और ना ही कपड़े धोना चाहिए, क्योंकि उससे वो पानी गंदा हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट लिखो, डू नॉट बाथ और वॉश क्लोथ इन अ पॉन्ड और अ रिवर। डू नॉट बाथ और वॉश क्लोथ इन अ पॉन्ड और अ रिवर, हमें नदी और तालाब में ना ही नहाना चाहिए और ना धोना चाहिए, उससे पानी गंदा हो जाता है, वो इफेक्ट करता है। कंप्लीट, आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट, एट क्वेश्चन पढ़ो जरा, जिसका भी सेवेंथ क्वेश्चन हो चुका है, सेवेंथ का आंसर जिसने नोट डाउन कर लिया है, वो एट क्वेश्चन की तरफ आओ जरा, एट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर सोचो जरा, इसका आंसर क्या होगा एट का। आई होप आप लोगों ने सेवेंथ का आंसर लिख लिया है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन एट पढ़ो जरा। राइट टू थिंग दैट यू कैन डू टू सेव वाटर, ऐसी दो चीज़ें बातें बताओ जिससे करने से आप पानी का सेफ, यानी पानी को सेफ कर सकते हो, पानी को बचा सकते हो। अगर आप लोग बारिश का पानी का यूटिलाइजेशन करोगे, उसका बचाव करोगे, तो वो पानी भी काम में आता है। जब आप नल का यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसे अच्छे से बंद कर दो। अगर आपके घर का जो नल है वो उसमें से पानी लीक हो रहा है तो उसको जल्दी से रिपेयर करवाओ। जब आप ब्रश कर रहे हो उस समय हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नहाते समय भी पानी का कम यूज़ करना चाहिए और जितना पानी पीना है उतना ही ग्लास में डालना चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो आंसर नोट डाउन करो ज़रा एट का। एनी टू थिंग, आपको सिर्फ दो चीज़ें लिखनी है। तो एट के आंसर देखो ज़रा, सेव रेन वाटर, सबसे पहले तो जो बारिश का पानी है उसका संरक्षण करना चाहिए, बारिश का जो पानी है उसका संरक्षण यानी उसका बचाव करना चाहिए। सेव रेन वाटर फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेव रेन वाटर। सेकंड, टर्न ऑफ टैप व्हेन नॉट इन यूज, जब भी आप नल का यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसे अच्छे से बंद करना चाहिए ताकि उसमें से पानी लीक ना हो और पानी का वेस्टेज ना हो। सेव रेन वाटर, टर्न ऑफ टैप व्हेन नॉट इन यूज। सो क्लास सेकेंड, आप लोगों का चैप्टर एट का ए क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन ए जो है, जो क्वेश्चन ए है उसके आठों क्वेश्चन यानी एट क्वेश्चन जो है वो सारे कॉपी में करने हैं। आप आज की डेट लगाओगे, डे लिखोगे, चैप्टर एट लिखोगे, देन आफ्टर लिखोगे चैप्टर का नेम वाटर और थिंक एंड डू क्वेश्चन, थिंक एंड डू हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लिखोगे और उनका आंसर लिखोगे, और ये एट क्वेश्चन आपकी कॉपी में आज की डेट में होमवर्क में हो जाने चाहिए। गॉट इट? नाउ आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.